brought to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तू ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। आज संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो लाजमी था कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में मारे गए 3 छात्रों पर बहस होगी और हुई भी। सबसे पहले लोकसभा में कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने इस मुद्दे पर बयान दिया। One very sad incident happened in a coaching center in Delhi. 3 of the students had lost the valuable their life. This coaching center, I am told by the media that this coaching center had no approved building at all. Without approved building, without any facility, this coaching centers become, some of the coaching centers become mafia, sir. Whether the government is going to take any action, any guideline on this thing, sir? कुछ देर बाद सत्ता पक्ष की ओर से खड़ी हुई भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, उन्होंने ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला किया। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई दो दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। लेकिन जैसे बांसुरी स्वराज ने अपना भाषण खत्म किया तुरंत कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी जगह से खड़े हुए। उन्होंने क्या कहा आप वो सुनिए। This is a matter which obviously calls for compensation, but no compensation can be enough for the tragic loss of life of a young man cut short in his prime, sir. Now, there are a number of serious issues that need to be addressed, as the previous speaker has pointed out. There is, sadly, a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. That is rampant in the city. The corporation also has responsibility okay. on this. I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation allowing these people to do what they're doing, saying they are in compliance. Mudda Delhi hadse ka hi tha. Behas aur teekhi ho gayi jab nirdaliya sansad Pappu Yadav ne hamle kiye aur sapa sansad Akhilesh Yadav ne Delhi sarkar mein kaam karne wale adhikariyon par sawal utha diye. Mera aagrah isme do hai. Main na BJP aur aam aadmi party ki aalochna mein pure desh ke bachche jo 60% Bihar ke SSC UPSC karne aate hain ya bahar kota lagatar hamare coaching adhyaksh mahoday लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना और एक घटना नहीं अध्यक्ष बात है एक मिनट एक घटना एक बार घटना नहीं घटी है बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे आखिरकार प्लानिंग और NOC देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है अध्यक्ष महोदय जिम्मेदार कौन है उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है नंबर एक दूसरा ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी लेकिन जब अखिलेश यादव बुलडोजर को लेकर संसद के अंदर बयान दे रहे थे उसी समय ओल्ड राजेंद्र नगर से तस्वीरें सामने आ रही थी लेकिन ये बुलडोजर भवनों पर नहीं चल रहे थे चलेंगे भी कैसे जैक वाले भवन हैं ये चल रहे थे नालों और नालियों पर बने उन अतिक्रमणों पर जिनकी वजह से बहाव ब्लॉक होना बताया गया। अब आइए राज्यसभा चलते हैं जहां दिल्ली हादसे पर जोरदार बहस हुई। शुरुआत हुई जब कुछ भाजपा सांसदों ने राज्यसभा की नियम संख्या 267 के तहत सभापति को बहस के लिए नोटिस दे दिया। क्या है नियम 267? राज्यसभा की नियम पुस्तिका के नियम 267 के मुताबिक कोई भी सदस्य दिन भर के सूचीबद्ध एजेंडे को रोकते हुए सार्वजनिक महत्व के जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस प्रस्तुत कर सकता है। इस नियम का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जब सभापति इस नियम के तहत किसी मुद्दे पर बहस को अनुमति देते हैं तो राज्यसभा के बाकी एजेंडे को स्थगित कर दिया जाता है। सिर्फ उस मुद्दे पर ही बहस चलती है जिसके लिए 267 दिया गया था उसका नोटिस। जब ये नोटिस मिला तो सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस मुद्दे पर बात होगी लेकिन बातचीत की अनुमति देते हुए उन्होंने कुछ मौजूद बातें भी कही। आई फर्दर फाइंड दैट कोचिंग हैज बिकम वर्चुअली कॉमर्स एवरी टाइम वी रीड अ न्यूज़पेपर फ्रंट 1 or 2 पेजेस आर बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। धनखड़ के इस फैसले पर तृणमूल सांसद
डेरेक ओब्रायन ने काउंटर किया, कहा कि सदन ने इतनी तत्परता क्या तब भी दिखाई थी जब रेल दुर्घटनाओं, मणिपुर हिंसा और नीट के विवाद पर बहस होनी थी, उसके लिए नोटिस दिया गया। By conveying our deepest condolences to the parents of the three families who have had this irreparable loss. These were children, boys and who were not driving fancy cars in Pune, nor were they running around driving their papa's rich cars. These were boys who were looking brightest of the brightest. And this is happening all over. And we convey our condolences. और कुछ देर बाद राज्यसभा में भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने उदार हुए। उन्होंने दिल्ली हादसे पर दिल्ली सरकार को घेरा और ये कहा, 26 जून से लेके और 22 जुलाई के बीच की घटना है, परंतु इसी बीच में इसी बिल्डिंग को 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट एनओसी दे देता है, यानी यह कार्रवाई चल रही है। वो एनओसी की कॉपी भी मैं आपके समक्ष रख सकता हूं और एनओसी में बेसमेंट को स्टोरेज के लिए दिखाया गया। अब यदि वो फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दी है और स्टोरेज के लिए दिया है तो क्या बगैर इंस्पेक्शन के किया? क्योंकि 26 जून को शिकायत चल रही है और 9 जुलाई को एक दूसरा विभाग स्टोरेज के लिए दे रहा है, तो या तो बगैर देखे हुए दिया गया है या फिर बहुत देख समझकर किसी अन्य अपरिहार्य कारणों के माध्यम से लिया गया है। चूंकि हमला दिल्ली सरकार पर था इसलिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जवाब दिया, सुनिए। ये कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी 20-20, 25-25 साल से चल रहे हैं और उस समय एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की का शासन था। क्या किया आपने उस समय? आपको दिल्ली के हर काम में रोड़ा लगाना है, रोकना है, और उसके लिए आपने भारत के इतिहास में पहली बार हुआ मान्यवर 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के ये कहा कि दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर का, पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को मिलना चाहिए। आपने वो अधिकार हमसे छीन लिया मान्यवर। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी, लेकिन इस टेक के साथ कि उनकी बातों को पार्टी लाइन से अलग देखा जाए। सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत पावरफुल हो गए हैं। अब तो ये कहते हैं कि हम कोई भी दुनिया का एग्जाम, देश का कोई भी एग्जाम रिक कर सकते हैं। सर, इनकी भूमिका मंत्री चयन में, सांसदों को चुनने में भी हो गई है। ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये जड़ में है सर, और ये आपके अर्बन प्लानिंग को, अर्बन डेवलपमेंट को, सबको रिक कर सकता है और इसलिए फल फूल रहा। मौत हुई, हम आज चर्चा कर रहे हैं। हादसों के देश में तब्दील हो गए हैं सर हम लोग। एक बाबा भीड़ लगाता है, हादसे में लोग मर जाते हैं, हम श्रद्धांजलि देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अपराध की घटना में महीनों का फहरिस्त देख लीजिए, बिहार का ही। हादसे होते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। बता दें कि बजट पर होने वाली बहसों को किनारे कर ये बातें हो रही थी। कुछ ही देर बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने खड़े हुए। उन्होंने बजट पर सरकार को घेरने की कोशिश की और कहा कि मौजूदा बजट एक चक्रव्यूह की तरह है। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं 10 साल में 70 बार हुआ है पेपर लीक के बारे में, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। फिर राहुल गांधी ने जब उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का नाम लिया तो स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति दर्ज कराई। फिर अपनी जगह पर खड़े हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, दोनों ने ही राहुल गांधी को नसीहत दी कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, कम से कम नियम तो पढ़ें। आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। आपको संसदीय कार्य मंत्री जी, प्लीज प्लीज, नो, आई एम नॉट यील्डिंग। आपको नियम नाले
इसके बाद दो और मौकों पर राहुल गांधी और स्पीकर के बीच बहस हुई। पहली बहस तब जब राहुल गांधी ने बजट के पहले होने वाली हलवा सेरेमनी की तस्वीरें दिखाई तो ओम बिरला ने चेतावनी दी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। शिवजी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है, नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लेना देंगे सदन में सर, गलत तरीका है सर। सर 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 फोटो दिखाना गलत नहीं है सर, आपकी परमिशन लेके अभी परमिशन नहीं है आपको सर, मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ नियम के तहत, नहीं सर मैं समझाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत परमिशन नहीं है मान्य। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। और दूसरी बहस हुई पत्रकारों को लेकर। दरअसल आज सुबह से ही संसद के बाहर से तस्वीरें आ रही थीं कि संसद कवर करने वाले पत्रकारों को संसद में घुसने नहीं दिया जा रहा। इन तस्वीरों के साथ एक और जानकारी चस्पा थी कि पत्रकारों को संसद भवन के मकर द्वार तक भी नहीं जाने दिया जा रहा था, जहां वो सांसदों की बाइट ले सकते थे, कभी लीड ले लेते थे, खबर मिल जाती थी। उन्हें कांच की दीवारों वाले एक छोटे से कमरे में बिठाया गया। पत्रकार इसे लेकर प्रतिरोध दर्ज करवा रहे थे। आज संसद में राहुल गांधी ने स्पीकर बिरला से दरख्वास्त की कि पत्रकारों को पिंजरे में बंद किया गया है और इस पर ओम बिरला ने उनके साथ नियमों को लेकर बात की, जो बाद में जिरह में बदल गई। एक सेकंड सर, मीडिया वाले हैं सर, बिचारे नहीं है वे, बिचारे शब्द मत बोलो उनके लिए। सर नॉन बिचारे मीडिया वाले हैं सर। नो, बिचारे नहीं, नॉन बिचारे सर, नॉट बिचारे मीडिया वाले सर। सर नॉट बिचारे, एक मिनट आप, मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो, आसन को बात करने दो। नहीं ना, मैं बताऊँ सर, नॉट बिचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दे। इसके अलावा संसद में क्या हुआ वो जानने के लिए आप हमारे संसद से जुड़े शो संसद में आज को भी देख सकते हैं।